हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो छोड़ो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओप्पो मोबाइल के वाइट स्क्रीन प्रॉब्लम को कैसे सही करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल के पावर बटन को, जिससे आप मोबाइल को लॉक करते हैं, और वॉल्यूम अप और डाउन बटन को, जिससे आवाज़ कम और ज़्यादा करते हैं, इन तीनों बटन को एक साथ 10 सेकेंड के लिए दबा के रखना है। जी हाँ गाइस, एक साथ दबाना है, वो भी 10 सेकंड के लिए। तो फिर आपके फ़ोन में रीस्टार्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आपका फ़ोन अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगर ये तरीका काम ना करे तो फिर आपको क्या करना है, मोबाइल के पावर बटन को, जिसे आप मोबाइल लॉक करते हैं, और वॉल्यूम अप बटन को, जिससे आवाज़ ज़्यादा करते हैं, इन दोनों बटन को 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है, तो भी आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। या फिर ये भी काम ना करे, तीसरा तरीका है मोबाइल के पावर बटन को और वॉल्यूम डाउन बटन को, जिससे आप मोबाइल के आवाज़ को कम करते हैं और मोबाइल लॉक करते हैं, इन दोनों बटन को आपको एक साथ में 10 सेकंड के लिए दबा के रखना है, तो फिर आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। या फिर आपके फ़ोन में रीस्टार्ट वाला ऑप्शन आएगा तो आप उस पर क्लिक करके पावर बटन दबा देना, तो आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप 100% वाइट स्क्रीन वाली प्रॉब्लम सही कर सकते हैं। और गाइस, एक कैसे हमेशा के लिए आप सही कर सकते हैं, ये तब होता है जब आपका स्टोरेज फुल हो जाता है, जो मेमोरी कार्ड होता है, इंटरनल कार्ड होता है, फुल हो जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम आती है। इतना सही होने के बाद अपने इंटरनल स्टोरेज को आप सही कर लेना, उसमें उसे खाली कर देना, कुछ डिलीट कर देना जो आप यूज नहीं करते हैं, तो फिर आपके फ़ोन में ये वाली प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी 100%, और इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।